हेलो भाइयों, आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है परसेंटेज, जिसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन जनरेट होते हैं और वैरायटी ऑफ इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट क्रिटेरिया के बेसिस पे आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो परसेंटेज के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें बेसिकली किन शॉर्ट ट्रिक्स की हेल्प से हम उन क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर पाएंगे, कुछ बेसिक रूल रेगुलेशंस या फिर जो मेजर मिस्टेक हम करते हैं उन सबको हम पढ़ने का ट्राई करेंगे। तो जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमें इसकी इंफॉर्मेशन हमें बेसिकली होती है, हम छोटी क्लासों से पढ़ के आते हैं, वो है कि कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज। ओके, कैलकुलेशन ऑफ परसन परसेंटेज। ओके, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज। तो हमें क्या करना है, अगर किसी चीज़ की परसेंटेज निकालनी है तो हम क्या करेंगे, जो उसकी उस पोर्शन की जो वैल्यू है उसमें हम टोटल वैल्यू का अगर डिवाइड कर देंगे, टोटल वैल्यू, देन अगर हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कितना परसेंटेज होगा, कैलकुलेशन कितना उसमें परसेंट होगा। ओके, उस पर्टिकुलर थिंग्स का। ओके, सो दैट्स वाई हमें ये बेसिकली हमें पता है, हम छोटी क्लास में पढ़ के आए हैं। अब अगर हमें जो परसेंटेज की क्वेश्चंस है उसको बेसिकली अगर हमें फास्ट करना है विदाउट हेल्प ऑफ द कैलकुलेटर, तो हम कुछ जो डाटा है उन्हें हमें याद रखने की आवश्यकता है। जो मैं बेसिकली हम 3 to 4 डाटा तो हम वैसे ही चेक कर सकते हैं, लेकिन 1 to 2 डाटा हमें याद रखना है जिससे हम इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। वो डाटा क्या है वो हम समझने का ट्राई करते हैं। देखिए, एक टेबल फॉर्म में आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर परसेंटेज फॉर्म, फ्रिक्शन फॉर्म, अगर मान लीजिए आप कैलकुलेट कर रहे हैं और ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जिसमें आपको वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो आप उसमें इन जो क्वेश्चंस होंगे वो लॉट्स ऑफ चांस है कि वो इसी तरीके से होंगे, कि इसी फ्रैक्शन फॉर्म में वो डाटा आ रहे होंगे। तो देखिए, अगर 100% होता है तो फ्रैक्शन फॉर्म उसकी 1 होगी और डेसिमल फॉर्म भी उसकी 1 होगी। ओके, अगर 50% आता है तो 1/2 होगी फ्रैक्शन फॉर्म और जो डेसिमल फॉर्म है वो 0.5 होगी। ये आपको नॉर्मली पता है। अगर हम 33.33, अगर ये 33 रिपीट हो रहा है तो हम उसको ऐसे लिखते हैं। ओके, जनरली हम ध्यान नहीं देते, लेकिन अगर कोई थिंग रिपीट होती है बार बार तो हम उसको ऐसे लिखते हैं। ओके, तो ये होगा 1/3 एंड 0.33 रिपीट होता है। ओके, इसके बाद हम 25 को देखेंगे तो वो आपको पता है 1/4 और ये होगा 0.25। ओके, इसके बाद वाले जो डाटा है 25%, 1.5, 0.20, ये भी आपको पता है। जो मेजर ये आपको याद रखना है, 16.66 अगर रिपीट होता है तो ये होता है 1/6। इसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं 1/6 की फॉर्म में। ओके, देन इसको हम लिखते हैं 0.16 और ये रिपीट होता है। ओके, तो ये आपको टेबुलर फॉर्म याद रखना है जिससे आप इजीली इन क्वेश्चंस को हैंडल कर पाएंगे कि अगर आपकी फ्रैक्शन फॉर्म आ रही है मल्टीप्लाइंग फैक्टर के साथ, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के साथ, तो आप उसको इजीली डायरेक्टली या तो डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं या फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, तो मेनली ये आपको याद रखना है। वैसे तो आपको याद भी रह जाएगा ये सब चीज़ें। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के बारे में समझना है कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होता है। देखिए, परसेंटेज का जो क्वेश्चंस होता है वो नॉर्मली आप वैसे भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर करते हैं तो ये शॉर्ट ट्रिक्स की हेल्प से क्वेश्चन बहुत फास्ट हो जाएगा। अगर आप नॉर्मल प्रोसीजर से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन सोल्व तो हो जाएगा, लेकिन आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो उस टाइम कंज्यूम जो हो रहा है उसको रोकने के लिए, टाइम कंज्यूमिंग मेथड को रोकने के लिए हमने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बनाई है, तो आप होपफुली उसको समझ पाए और अप्लाई भी कर पाए। ओके, तो हम समझेंगे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। ओके, तो देखिए ये क्या होता है, किस तरीके से हम इसका यूज करेंगे वो हम समझने का ट्राई करते हैं। तो देखिए, अगर आपको पर्टिकुलर चीज दी हुई है, मान लीजिए आपको ऐसा बोला जाए कि कोई चीज है, कोई थिंग्स है, उसकी स्टार्टिंग में जो वैल्यू है वो 100 है। अब उसमें अगर 25% का इंक्रीमेंट कर दिया जाता है तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कैसे इंक्रीज होगा, आप क्या करेंगे,
जिस भी अगर आपको इंक्रीमेंट का केस बोला जाए कि कोई चीज़ इंक्रीमेंट हो रही है, अगर किसी चीज़ का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो आप क्या बोलेंगे कि वन में जितने भी जो हो रहा है उसको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे, जो हमने अभी डेसिमल फॉर्म जो सीखी थी उसको इसमें ऐड करना है। तो देखिए वन तो ऑलरेडी आएगा, तो देखिए अगर आपसे 25% का इंक्रीमेंट बोला जाता है, इट मीन्स डेसिमल फॉर्म में 25% को आप कैसे लिखेंगे, 0.25, लास्ट में जो हमने टेबल सीखी थी उससे वन, तो ये आपका जाएगा 1.25। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे फिर आपको क्या करना है, अगर फाइनल वैल्यू चेक करनी है, फाइनल वैल्यू अगर आपको चेक करनी है, तो आप क्या करेंगे, इनिशियल वैल्यू इनटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, ओके, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, ओके। तो आपको ये याद रखना है। अब देखिए अगर आप क्या करेंगे, अगर हम इसमें रख के चेक करते हैं, तो 100 × 1.25, तो ये आपका आ जाएगा 125, ओके। तो 125 अगर आपका ये सोल्व करने के बाद आ रहा है, तो इट मींस आपका जो प्रोसीजर है वो आपका करेक्ट है, ओके। तो ये यहाँ पे तो इजी था, आप अगर 25% का इंक्रीमेंट बोल रहे हैं तो आप इजीली कर देंगे। 100 मान लीजिए, 500 हो, 540 हो, 320 हो, तो उस वाले केस में हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो हमें बेसिकली मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का यूज करते हुए जाना है, तो हमें थोड़ी कन्वीनियंस होगी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। सिमिलरली ये इंक्रीमेंट का केस हो गया। अगर सिमिलरली आपसे ऐसा पूछा जाए कि डिक्रीमेंट बताइए, अगर यही चीज़ आपका डिक्रीमेंट को शो कर रही होती कि 50% डिक्रीमेंट हो गया है, अगर आपसे बोला जाए डिक्रीमेंट का केस 50% डिक्रीमेंट हो गया है, तो आप क्या करेंगे, जैसे मल्टी अगर इसमें आप पॉजिटिव करते थे जब आपको इंक्रीमेंट करना होता था, तो इसमें आप नेगेटिव करेंगे, ओके। तो वन माइनस आपको फिक्शनल फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में आपको नेगेटिव करना है, ओके। तो 50% के डेसिमल फॉर्म 0.50 होती है, जैसे आपको 50% बोला जाए, तो आप डेसिमल फॉर्म निकालने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 0.50 आ जाएगा किसी भी नंबर की आपको, और देन उसको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में इस तरीके से यूज कर लेंगे, तो ये आपका 0.5 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ आप रखेंगे वापस, तो 100 × मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 0.50, यानी आंसर आपका 50। वैसे आप नॉर्मली भी चेक कर सकते हैं, 100 का केस काफ़ी ईजी है, और आप नॉर्मली चेक करके बता देंगे, लेकिन अगर नॉर्म थोड़ा सा डिफिकल्ट डाटा आता है, जैसे 270, 290, 105, देन उस वाले केस में आप इसको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की हेल्प से काफ़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ओके। अब हम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के कॉन्सेप्ट को समझ गए, अब ये यूज कैसे होता है, वो उसकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, उस कॉन्सेप्ट की जो बेसिक लर्निंग है, वो आपको इजीली हो जाएगी अगर हम विद हेल्प ऑफ सम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उनको सोल्व करने का ट्राई करते हैं विद हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी हो जाए, ओके। तो आप ट्राई कीजिएगा, देन आप खुद भी कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट में और ज़्यादा क्लियरिटी आए, ओके। अगर आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट उतने ही ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, ओके। तो हम जो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं वो है, तो क्वेश्चन है एक क्वांटिटी 200 इज इंक्रीज बाय 75%, देन व्हाट विल बी द न्यू क्वांटिटी, ओके। तो आपको ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अगर एक क्वांटिटी है वो 200 है, उसको इंक्रीज कर दिया जाए 75% से, तो जो नई क्वांटिटी होगी वो कितनी होगी। तो ये भी इजी डाटा है, आप विदाउट द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर भी आप करके बता देंगे, लेकिन फिर भी हम समझने का ट्राई करते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो स्टेप आप उठाएंगे, आपको क्या करना है कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कैलकुलेट करना है, ओके। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, ओके। तो देखिए वो कितना होगा आपका, अगर डाटा इंक्रीज हो रहा है, तो हमने देखा था कि जब भी डाटा इंक्रीज होगा हम क्या करेंगे,
वन के अंदर उसका डेसिमल फॉर्म ऐड कर देंगे। तो देखिए जो 75% है उसकी डेसिमल फॉर्म आप निकालेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो आपका 0.75 आ जाएगा, ये उसकी डेसिमल फॉर्म आ जाएगी। ओके, अब देखिए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर करना है, इंक्रीमेंट आपने ये वर्ड देखा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, अगर इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव आएगा, देन कितना हो रहा है 0.75। ओके, ये आपका अलग डाटा है, इसको साइड में लिख के रखिए, तो इससे आ जाएगा आपका 1.75, तो आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आ गया 1.75। ओके, अब आपको चाहिए क्या, फाइनल वैल्यू, फाइनल आपसे पूछा गया या फिर न्यू क्वांटिटी पूछी गई है। ओके, तो जब आपसे पूछा गया है कि न्यू क्वांटिटी बताइए, न्यू क्वांटिटी, तो आप क्या करेंगे, इनिशियल क्वांटिटी, इनिशियल क्वांटिटी, इनिशियल क्वांटिटी इंटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, एम एफ लिख सकते हैं शॉर्ट में, है ना, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। तो देखिए इनिशियल क्वांटिटी आपकी 200 थी और जो आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर था वो 1.75 था। ओके, देन जब आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 175 का 2 टाइम करेंगे तो आपका जाएगा 350, एंड 20 पॉइंट हटा देंगे तो आपका ये कैलकुलेट करने के बाद 350 आ जाएगा डाटा। ओके, तो आप इसको लिख सकते हैं 350। ओके, तो ये आपका आ जाएगा 350। तो बस नॉर्मली आपको इस तरीके से ऑप्शन अवेलेबल होंगे, 250, 350, 225, लाइक दैट, आपको बस एक ऑप्शन चूज करना है। ओके, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है, उसको हमने इस तरीके से देखा है, विद हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बहुत फास्ट आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अब कई टाइम ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जिसमें 2 से 3 मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यूज हो रहे हैं, कई टाइम ऐसा होगा कि आपको डिफरेंट डाटा जैसे कि इनिशियल क्वांटिटी दी हुई होगी, फाइनल क्वांटिटी दी होगी और आपसे पूछा जा सकता है कि कितना परसेंट उसको इंक्रीज किया हुआ है। तो मेनली जो बेस होंगे क्वेश्चन वो मैक्सिमम क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के आसपास ही होंगे परसेंटेज में, बस आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ओके, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं जिसमें कुछ डिफरेंट तरीके से उसको बताया गया है, तो और आपको हाउ मच परसेंटेज इंक्रीज ये पूछा गया है कि कितना परसेंटेज में इंक्रीज हुआ, तो होपफुली आप समझ पाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, एक क्वांटिटी, एक कोई क्वांटिटी है, वो एक क्वांटिटी 300 व्हेन इंक्रीज बाय, व्हेन इंक्रीज बाय सम परसेंटेज, सम परसेंटेज बिकम 360, फाइंड आउट बाय व्हाट परसेंटेज, व्हाट परसेंटेज इट हैज इंक्रीज। ओके, तो आपको इसमें भी ये बताना है कि आपको इनिशियल क्वांटिटी बता दी गई और कुछ परसेंटेज इंक्रीज करने के बाद फाइनल क्वांटिटी बता दी गई है, तो आपको ये बताना है कि कितने परसेंट उसमें इंक्रीज किया गया है। तो सिमिलरली आपको क्या करना है, सेम कॉन्सेप्ट आपको चलाना है, आपने जो अभी तक फॉर्मूला सीखा है उसी फॉर्मूला से आप सीखिए कि हमने क्या देखा था कि जो फाइनल क्वांटिटी है, जो फाइनल है, फाइनल क्वांटिटी वो क्या आएगी, इनिशियल क्वांटिटी, इनिशियल क्वांटिटी इनटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। ओके, इनिशियल क्वांटिटी इनटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, तो आपको क्या करना है कि जो आपके पास डाटा है इनिशियल क्वांटिटी और फाइनल क्वांटिटी वो पुट करना है, और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की वैल्यू पहले फर्स्ट ऑफ आपको कैलकुलेट करनी है। तो फाइनल क्वांटिटी की वैल्यू आपकी कितनी है, 360 आपको गिवन है, अगर ये आपको 360 गिवन है एंड इनिशियल क्वांटिटी आपको 300 गिवन है, तो आप इजीली मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो देखिए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए 360 अपॉन 300। ओके, तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका ये आंसर आएगा 6/5। ओके, आप 60 से काट दीजिएगा ऊपर नीचे, हो गए, तो जब आप इसको सोल्व करेंगे 6/5, तो 60 एंड 5 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 1.2 आ जाएगा। ओके, 6 में जब आप 5 पर डिवाइड करेंगे तो 1.2 आ जाएगा, तो 1.2 आ गया। इट मींस जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है वो क्या होता है, जो ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आपको दिख रहा है ये क्या होता है,
हमने जो देखा था कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज इक्वल टू वन प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ है, कितना परसेंट इंक्रीज किया है, उसका डेसिमल फ्रैक्शन, ओके, डेसिमल डेसिमल फ्रैक्शन, ओके, और परसेंटेज इंक्रीज और इंक्रीज और डिक्रीज, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल डेसिमल फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज कुछ भी हो सकता है। अगर ये इंक्रीज आएगा यानी वन से ज़्यादा आ रहा है तब इंक्रीज में आएगा, अगर ये वन से कम आ रहा है तो ये डिक्रीज में आएगा। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आ रहा है वो 1.2 आ रहा है, इट मीन्स ये वन से ज़्यादा आ रहा है, तो इट मीन्स ये इंक्रीमेंट वाला फिनोमेना शो कर रहा है। तो हम देखेंगे 1.2 इज इक्वल टू वन, इंक्रीमेंट हो रहा है क्योंकि 1. मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की वैल्यू 1.2 से ज़्यादा आ रही है। अभी मैं इसको आपको रूल की फॉर्म में लिखवा दूंगा, आप नोट नोट करके लिख लीजिएगा तो आपको इसकी क्लियरिटी आ जाएगी। तो देखिए 1.2 वन प्लस डेसिमल फ्रैक्शन, ये जो कितना इंक्रीज हुआ है डिक्रीज, तो इंक्रीज परसेंटेज आपको कर इंक्रीज परसेंटेज डेसिमल फ्रैक्शन, ये आपका यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। तो कितना आएगा 1.2 में से उधर निकालेंगे तो आपका 0.2 आ जाएगा। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो जो आपका इंक्रीज परसेंटेज कितना आ जाएगा, इंक्रीज इन परसेंटेज कितना आ जाएगा 0.2। इट मीन्स जब आप इसको परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 का कितना होता है, जैसे हमने क्या कर रहे थे परसेंटेज की फॉर्म में फॉर्म करने के लिए, डेसिमल डेसिमल फॉर्म में करने के लिए हम 100 से डिवाइड कर रहे थे, तो इसको हम क्या करेंगे परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0.2 × 100 तो आपका कितना आ जाएगा, ये जब इसको आप सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 20%, ओके। तो यानी कि 20% इंक्रीमेंट हुआ है, आप इस तरीके से इसको समझ पाएंगे, ओके। तो देखिए हमने किया क्या है, जनरली फर्स्ट हमें फाइनल क्वांटिटी इनिशियल क्वांटिटी इनटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लिखना है। फाइनल क्वांटिटी आपको 360 दी हुई थी, इस 300 दिया होता मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, तो आपने मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जब कैलकुलेट किया वो आपका 1.2 आया। अब 1.2 आया है वो ज़्यादा है वन से, इसलिए इट मीन्स ये इंक्रीमेंट वाला होगा और पॉजिटिव आएगा बीच यहाँ पे, ओके। एंड उससे आपने देख लिया कि कितना इंक्रीज परसेंटेज ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन की फॉर्म में कितना आ रहा है, वो 0.2 आया, और उसको आपने परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपने उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। डेसिमल फ्रैक्शन को परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो आपका 20% आ गया, ओके। तो होपफुली आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे कि कॉन्सेप्ट एक ही है, फॉर्मूला एक ही है, फाइनल क्वांटिटी बराबर इनिशियल क्वांटिटी इनटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, लेकिन जो क्वेश्चंस है उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको बस बेसिकली क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ओके। तो देखिए जो रूल है जो आपको याद रखना है, नोट करके आप लिख सकते हैं कि अगर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की वैल्यू आपकी वन से ज़्यादा आ रही है, इट मीन्स परसेंटेज, तो जो MF की वैल्यू है वो परसेंटेज इंक्रीज होगा। अगर आपकी जो MF की वैल्यू है वो एक से कम आ रही है, इट मीन्स जो परसेंटेज होगा वो डिक्रीज हो रहा होगा। एक चीज़ आपको ये याद रखेंगे तो आपको इजीली कभी गलती नहीं होगी, जब वहाँ पे हम जो पॉजिटिव और नेगेटिव ले रहे थे वहाँ पे आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा कि कब हमको बीच में परसेंटेज लेना है या फिर कब नेगेटिव लेना है, ओके। अगर परसेंटेज फॉर्म इन डेसिमल में दी हुई हो तो उसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वो ओनली परसेंटेज फॉर्म में आ जाएगा, ओके। तो ये भी आपको रूल याद होना चाहिए, ओनली अगर आप परसेंटेज फॉर्म में चाहिए तो आपको इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। ये दो नोट हैं तो आप इनको ध्यान रखिएगा सोल्व करने का, ठीक है, जब भी यूज करें तब इन कोई कॉन्सेप्ट को यूज करिएगा, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब जो डिस्कस करेंगे वो मेनली है सक्सेसिव परसेंटेज चेंजेस में किस तरीके से क्वेश्चन जनरेट होते हैं, किस तरीके के उसमें हमें क्या क्या जो चीज़ें होती है वो हम समझने का ट्राई करेंगे। तो देखिए जो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है परसेंटेज के ही अंदर आता है, जिसमें क्या होता है कि आपको जो चेंजेस दिए होते हैं परसेंटेज में वो ओनली सिंगल चेंजेस नहीं दिया होता है, आपको 2 or 3 चेंजेस दिए होते हैं, उन चेंजेस के बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ स्टेप लेने होंगे, ओके। तो देखिए अब क्या होगा कि किस तरीके से, जैसे मान लीजिए एक शॉपकीपर है वो अपने किसी प्रोडक्ट पे आपको एक पर्टिकुलर डिस्काउंट दे रहा है, तो उससे पहले क्या करेगा, वो मान लीजिए उसके पास 300 का वो
प्रोडक्ट आया था जब उसने बाई किया, देन वो क्या करेगा उस पर 30% उसके ऊपर इंक्रीज कर देगा। ओके 30% इंक्रीज कर देगा, देन उस पर क्या करेगा वो 30% इंक्रीज करने के बाद आपको डिस्काउंट दे देगा 20% का, ठीक है। तो उसके पास क्या हो जाएगी, इनकम भी हो जाएगी और कुछ ऑफर भी हो जाएंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से उसकी सेलिंग भी ज़्यादा हो जाएगी। तो वो इस तरीके से जो रेगुलर टू टाइम में जो स्टेप बाई स्टेप होता है उसे हम सक्सेसिव परसेंटेज चेंजेस बोलते हैं। ओके तो आप देखिए भाई ये किस किस तरीके से आपको दिख सकते हैं उसको समझने का ट्राई कीजिएगा। देखिए हो सकता है कि कोई डाटा हो उसमें पहले परसेंटेज चेंज हो रहा हो, परसेंटेज इंक्रीज हो रहा हो, ओके दोनों, देन वापस अगेन परसेंटेज इंक्रीज हो रहा हो, या फिर परसेंटेज डिक्रीज हो रहा हो देन अगेन परसेंटेज डिक्रीज हो रहा हो, ओके या फिर ऐसे भी हो सकता है परसेंटेज इंक्रीज हो रहा हो लेकिन फिर अगला स्टेप में उसी में से परसेंटेज डिक्रीज हो रहा हो, या फिर पहले डिक्रीज हो रहा हो फिर इंक्रीज हो रहा हो, ऐसे वेरियस पॉसिबिलिटी क्रिएट हो सकती है। ओके या फिर दोनों थ्री टाइम हो सकता है, जैसे ये टू टाइम हमने डिस्कस किया ऐसे थ्री टाइम भी हो सकता है, फोर टाइम भी हो सकता है। लेकिन जब आप अगर वैसे नॉर्मली करेंगे तो आपको बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा क्वेश्चन को सोल्व करने का। तो अगर आप मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के थ्रू जाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने में काफ़ी ईजीनेस होगी और आप काफ़ी क्विकली इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। ओके तो मेनली क्या है कि आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है वो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में ये है कि आपको पहले जो ऑर्डर है उस ऑर्डर को डिस्ट्रॉय नहीं करना है, अदरवाइज डाटा गलत आ जाएगा, आंसर गलत आ जाएगा। तो आपको उस ऑर्डर को फॉलो करना है। अब देखिए इस कॉन्सेप्ट को हम स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिससे हमें और अंडरस्टैंडिंग होए। तो देखिए ये एक क्वेश्चन है, इसमें आपको ये दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है कि एक क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी 300 300 इज इंक्रीज, जो मतलब आपको कुछ ना कुछ क्वांटिटी हुई होगी उसमें आपने क्या करा इंक्रीज बाय 20%। ओके देन देन इट वाज डिक्रीज, इट वाज डिक्रीज बाय 10%। ओके देन फाइंड आउट हाउ मच परसेंटेज, हाउ मच परसेंटेज मोर और लेस देन 300। ओके ये हमें बताना। देखिए अब ये क्वेश्चन है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बन रहा है, अगर हम नॉर्मली अगर हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो हम अगर इसे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के थ्रू सॉल्व करेंगे तो ये हमें काफ़ी इजीली विद कन्वीनियंस सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहली जो हमारे पास टास्क है वो है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कैलकुलेट करने की। तो जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इसमें हम क्या करेंगे, जब हमें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में हमें एक और चीज़ याद रखनी है कि जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा वो अगर मान लीजिए टू टाइम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो रहा है तो वो उसके हिसाब से ही कैलकुलेट होगा। लाइक दैट यहाँ पे अगर अपना आ रहा है कि 20% इंक्रीज हो रहा है देन डिक्रीज हो रहा है 10%, तो इसी के हिसाब से आप मल्टीप्लिकेशन फैक्टर दोनों को इन्वॉल्व करते हुए कैलकुलेट करेंगे, ओनली सिंगल नहीं दोनों के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो वो कैसे आएगा, तो देखिए अगर जो सबसे पहला टास्क है वो है हमारा है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कैलकुलेट करने का, उसमें देखिए हम क्या करेंगे वन लिखेंगे सेम, देन अगर डाटा इंक्रीज हो रहा है देन पॉजिटिव पॉजिटिव, और कितना 20% है उसको फिक्शनल फॉर्म में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 0.20 जो हमने लास्ट बार भी किया था। अब अगर आपको सेम कंजुकेटिव कुछ दिया हुआ हो कि इट वाज डिक्रीज बाय 10% तो अगला जो होएगा वो इसी से मल्टीप्लाई होगा विद ब्रैकेट 1 पॉइंट, और डिक्रीज हो रहा है डिक्रीज होने हो रहा है तो कितना हो रहा है डिक्रीज 10%, उसकी फिक्शनल फॉर्म कितनी आएगी 0.10। तो आपको इस हिसाब से उसको लिखना है। ओके आप इसको 1.20 जैसे डिक्रीज वाले के हिसाब से आप 10% डिक्रीज कर दिया आपने वन में से, और इंक्रीज के हिसाब से फ्रैक्शनल फॉर्म में 0.20 ऐड कर दिया। अब आप इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 1.20 × 0.90। ओके ये आपका आ गया। अब आप जब इसको सोल्व करेंगे तो आपको ये जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो आपको ये पता चलेगी कि कितना इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब आप 0.90 और 1.20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आपका कितना आंसर आएगा, ओके 1.08। ओके ये आपका आंसर आ रहा है 1.08, आप करके देखिएगा 1.08 आपका आंसर आ रहा है। तो 1.08 मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जब आपकी वैल्यू आई और ये आपसे
1% मतलब इट मींस जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो 1 से ज़्यादा है, जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है इसकी वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा है। अगर 1 से इसकी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की वैल्यू ज़्यादा है और हमसे पूछा गया परसेंटेज, हमसे ये नहीं पूछा गया कि फाइनली वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर हमसे केवल परसेंटेज पूछा हुआ है कि कितना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किया गया परसेंटेज में, तो हम वापस वही देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1.08 इक्वल टू वही इंक्रीमेंट वाला जो हमने पिछली बार वाला लास्ट क्वेश्चन जो किया था उसमें सेम प्रोसीजर, वो क्या होगा 1 प्लस क्यों लिखा है, क्योंकि ये 1.08 1 से ज़्यादा है, तो परसेंटेज फॉर्म इन डेसिमल, ओके डेसिमल फॉर्म, परसेंटेज इन डेसिमल फॉर्म, ओके परसेंटेज इन डेसिमल फॉर्म। तो आप ये याद रखेंगे कि परसेंटेज को डेसिमल फॉर्म में आप यूज करेंगे, ओके परसेंटेज इन डेसिमल फॉर्म। अब देखिए, तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो आपको परसेंटेज इन डेसिमल फॉर्म है, अगर हम यहाँ से चलते हैं तो परसेंटेज इन डेसिमल फॉर्म आपको कितनी मिलेगी, परसेंटेज इन डेसिमल फॉर्म आपको कितनी मिलेगी जब आप कैलकुलेट करेंगे, 1.08 से 1 माइनस करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा 0.08, ओके 0.08, लेकिन आपको परसेंटेज फॉर्म में बताना है क्योंकि इसने हमें परसेंटेज इन डेसिमल फॉर्म में नहीं बोला, परसेंटेज फॉर्म में बताना है। तो आप क्या करेंगे, जो हमने लास्ट वाला नोट 2 देखा था, जब परसेंटेज इन डेसिमल फॉर्म को परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो परसेंटेज निकालना है, अगर अपन परसेंटेज इंक्रीज, क्योंकि ये इंक्रीज इसलिए आ रहा है क्योंकि 0.8 है, अगर हाउ मच परसेंटेज मोर और लेस बोला है तो ये मोर आ रहा है क्योंकि ये 1 से ज़्यादा है, अगर लेस भी हो सकता था तो डिक्रीज लिखते हम इसको, तो परसेंटेज की 0.08 × 100 जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा ये 8%, इट मीन्स 300 से 8% ज़्यादा है वो जो फाइनल क्वांटिटी, ओके 8% ज़्यादा है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन अगर इसमें और ऐड कर दें तो ये पूछा जा सकता है कि जो 300 है उससे कितना ज़्यादा होगा, तो आप क्या करेंगे 300 से 300 के बाद फाइनल क्वांटिटी क्या आएगी, तब आप इस पूरे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर पूरे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1.08 को आप 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फाइनल जो क्वांटिटी आएगी वो आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, जो कंजुकेटिव चेंजेस हो रहे हैं उनको भी समझने का ट्राई किया है। अब आगे वाले क्वेश्चन में हम कुछ और ट्राई करते हैं जिसमें क्या हुआ कि कुछ बेस को चेंज करके या फिर कुछ अलग तरीके से क्वेश्चंस को किया गया, तो देखते हैं हम कि किस तरीके से उसके क्वेश्चंस आते हैं, ओके। आपको जस्ट कॉन्सेप्ट को सीखना है, देन उसके बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करना है बहुत सारे क्वेश्चंस, जिससे आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, आप इजीली समझ पाएंगे कि जब क्वेश्चंस आपको दिखेगा और बहुत फास्ट उसको आपको कर सकते हैं, आपको एप्टीट्यूड में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सेव करना है, ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं, तो अगला जो क्वेश्चन है वो हमें किसी और तरीके से दिया हुआ है, इसमें आपको दिया हुआ है कि रेडियस रेडियस ऑफ स्फेयर रेडियस ऑफ स्फेयर इज इंक्रीज बाई 10%, ओके जो रेडियस है उसको हमने इंक्रीज किया 10%। तो हमसे पूछा है कि जो फाइंड आउट द नेट परसेंटेज इंक्रीमेंट परसेंटेज इंक्रीमेंट इन द वॉल्यूम, तो आपको क्या करना है कि जो रेडियस है उसमें स्पेयर को इंक्रीज कर दिया गया है 10%, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन बतानी है कि वॉल्यूम में कितना चेंज आ जाएगा, अगर आप रेडियस को 1.1% इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम में आपका कितना चेंज आएगा। तो देखिए, नेट परसेंटेज इंक्रीमेंट इन रेडियस 10%, तो आपको ये बताना है, आपको कुल मिला के जो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है वो निकालना। तो देखिए, अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करें, सॉल्यूशन इसका स्टेप बाय स्टेप करें तो आप समझ पाएंगे। तो देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है कि कितना परसेंट इंक्रीमेंट किया गया है, कितना परसेंट इंक्रीमेंट किया है 10%, ओके। तो जब इसको आपको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो कितना जाएगा आपका 0.10, है ना, ये किस में परसेंट 0.डेसिमल फॉर्म में परसेंटेज डेसिमल फॉर्म डेसिमल परसेंटेज फॉर्म कैसे भी लिख सकते हैं, ओके। तो देखिए, अब आपको क्या करना है, आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकालना है, क्योंकि अब जो वॉल्यूम जो पुरानी वॉल्यूम होगी वो किसके हिसाब से होगी, पुरानी वॉल्यूम जो ओरिजिनल वॉल्यूम होगी वो आर के हिसाब से होगी, लेकिन आर में हमने चेंज कर दिया है तो जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा वो आर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, क्योंकि जिसमें चेंज हुआ है उसी में तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मल्टीप्लाई होता है, ठीक है।
तो हम देखते हैं सबसे पहले कि किस तरीके से उसमें चेंजेस हुआ है। ओके, तो देखिए सबसे पहली स्टेप जो हो रहा है उसमें क्या है कि आर है जो रेडियस है, मतलब फाइनल रेडियस या फिर न्यू रेडियस लिख सकते हैं आप इसको, न्यू रेडियस इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इनटू ओरिजिनल ओरिजिनल रेडियस। ओके, ओरिजिनल रेडियस, ठीक है, आपको ये बताना है। ओके, जब अब आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर तो आप इजीली देखिए, बार बार हम एक ही चीज़ को रिपीट नहीं करते हैं, 10% इंक्रीमेंट बोला है, इट मीन्स 1 में हम 0.10 डेसिमल फॉर्म ऐड कर देंगे, तो जो न्यू रेडियस आर है वो आपकी क्या आएगी, न्यू रेडियस आर क्या आएगी, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1.1 हो जाएगा, क्योंकि आप 1 जो है उसमें 0.10 ऐड करेंगे क्योंकि इंक्रीमेंट हो रहा है, तो और जो ओरिजिनल जो पहले वाली थी वो आर है, तो कितना हो जाएगा 1.1 आर। ओके, ये आपका आ चुका है 1.1, अगर आपका आर आ गया है तो अब आप क्या करेंगे, वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए अगर आप वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं तो वॉल्यूम का न्यू वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, ये न्यू वॉल्यूम इज इक्वल टू स्पेयर की न्यू वॉल्यूम, स्पेयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है सिंपल मैथमेटिक्स से, 4/3 πr³। तो अब आप इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 4/3 × π इंटू जो आर है, ये कौन सा है, आर है न्यू वाला। ओके, आर न्यू वाला, तो आप इसमें रखेंगे तो 1.1 आर आ जाएगा, इसका आपके पास क्यूब आएगा। तो आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो हमें क्या करना है कि जो ये आपको इस तरीके से आ जाएगा 4/3 π × r³ इंटू 1.1 का क्यूब, इसको हमने आर क्यूब को बाहर ले लिया, 1.1 क्यूब को बाहर अंदर ले लिया। ओके, तो जो ये 1.1 क्यूब जो हमारा आया है, इस 1.1 क्यूब से हम क्या देखेंगे कि किस तरीके से इसको हमें आगे बढ़ाना है। अब देखिए अगर ये हमारे पास 1.1 क्यूब आ चुका है, तो इसके बाद हमने क्या किया कि 4/3 जो पाई आर क्यूब है, 1.1 क्यूब को जब हमने सोल्व किया तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, 1.1 का 3 टाइम आप क्यूब कीजिए तो आपके पास वैल्यू आएगा उसका 1.331, ये आपके पास वैल्यू आ रही है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 1.331 × फाइनल वॉल्यूम, वो ओरिजिनल वॉल्यूम जो पहले वाली थी, क्योंकि जो 4/3 πr³ है वो तो ओरिजिनल है ना, न्यू वॉल्यूम में 1.331 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि 10% इंक्रीमेंट कर दिया गया है, किसमें उसकी रेडियस के अंदर। ओके, तो देखिए अब क्या होगा कि आपको नेट परसेंटेज इंक्रीज बताना है, तो ये क्या हो गया एक तरीके से, ये तो देखिए क्या, ये तो फाइनल वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया कि फाइनल वॉल्यूम जो है, न्यू वॉल्यूम जो है वो 1.33 × ओरिजिनल वॉल्यूम है, तो ये तो हमें वही फॉर्मूला मिलता जुलता लग रहा है जिसमें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आया करता था यहाँ पे। ओके, और ओरिजिनल वॉल्यूम को मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते थे तो अपना फाइनल वॉल्यूम आ जाती थी। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1 से ज़्यादा है, और कितना ज़्यादा है अब आप, तो अब आपको देख के कर देना चाहिए इसको, देखिए क्योंकि हम स्टेप समझ चुके हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, तो हम एक नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं कि हम डायरेक्ट बता देंगे, क्योंकि देखो 1 से ज़्यादा है, कितना है, 0.331% ज़्यादा है, तो 0.331 से ज़्यादा इसलिए इंक्रीमेंट होगा, और 0.331 को हम परसेंटेज फॉर्म में कितना लिख देंगे, 33.1% इंक्रीज हो जाएगी क्या, वॉल्यूम। ओके, 33.1% इंक्रीमेंट हो जाएगा वॉल्यूम, आप वही करेंगे, नहीं तो आप वैसे भी कर सकते हैं बार बार वो सेम चीज़, जैसे कि आप क्या करोगे, 1+331 मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज इक्वल टू 1+% डेसिमल फॉर्म इन, जब वहाँ से करेंगे आप तो परसेंटेज डेसिमल फॉर्म आप निकालेंगे, 0.331 आएगा, और उसको जब आप कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज फॉर्म में तो 33.1% आ जाएगा, और वो क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1 से ज़्यादा है, इट मीन्स ये इंक्रीज हो रही है वैल्यू। ओके, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं, देखिए वॉल्यूम, ये जो क्वेश्चन था ये पूरा वॉल्यूम के ऊपर डिसाइड हो गया था। ओके, इसी तरीके से अगर आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें डिफरेंट तरीके की कि कुछ शॉपकीपर डिस्काउंट प्रोवाइड करवाता है, देन कुछ अलग चीज़ प्रोवाइड करवाता है, तो हम उस क्वेश्चन को सोल्व करने का ट्राई करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, एंड देन जो अगला क्वेश्चन है उससे आपकी काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें आपको 2-3 तरीके से अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेगी। तो जो क्वेश्चन है वो है, तो जो क्वेश्चन है उसको आप देख पा रहे होंगे, ए सोप प्रोवाइड्स फ्लैट 50% डिस्काउंट ऑन वन शर्ट वाइल अनदर सोप प्रोवाइड द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30% एंड 30%। इफ द डिफरेंस ऑफ द बिल्स इज ₹43, फाइंड आउट द नेट कॉस्ट ऑफ शर्ट। तो आपको इसमें जो शर्ट की जो कॉस्ट है उसको बताना है, और हमें ये बताया गया है कि जो डिफरेंस है, जो दोनों डिस्काउंट अलग अलग शॉप के हैं उनमें 43 का डिफरेंस आ रहा है, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी है, तो आपको मेनली मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के साथ ही खेलना है। तो देखिए
अब आपको क्या करना पड़ेगा, आप ये अज्यूम कर लीजिए कि लेट अज्यूम द प्राइस ऑफ शर्ट कितना हो जाएगा, ये हमने मान लिया ये एक्स, ओके ये एक्स मान लिया। अब देखिए, अब जो एक्स के हिसाब से जो वो तो हमने प्राइस मान लिया, अब सर दोनों दोनों शॉप के लिए जो प्राइस है वो एक्स ही होगा, लेकिन वो उस पर डिस्काउंट दे रहे हैं, उनके हिसाब से उनमें क्या चेंजेस आते हैं, हम देखिए फर्स्ट शॉप कीपर एंड सेकंड शॉप कीपर दोनों का केस हम देखते हैं। तो देखिए ये फर्स्ट शॉप कीपर है एंड ये सेकेंड शॉप कीपर है, दोनों को हम समझते हैं, ओके। तो देखिए फर्स्ट शॉप कीपर का सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है ना, और इसका भी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। अब देखिए जो हमने सबसे पहला ही पहला एग्जांपल देखा था उसमें क्या था कि 50% डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट वो चीज़ में दे रहा है इसमें जो प्राइस है वो रिड्यूस होंगे, यानी कि डिक्रीज हो रही है वैल्यू, तो डिक्रीज होगी और 50% हो रही है तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर डिक्रीज हो रही है इसलिए माइनस, एंड कितना हो रहा है 50%, 50% को जब आप डेसिमल फॉर्म में करेंगे 0.50, ओके तो ये आपका जाएगा 0.50 मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की वैल्यू। अगर आप सेकंड शॉप के लिए दिखेंगे तो जो हमने इक्वेशन किया था सक्सेसिव परसेंटेज चेंज वाला, वो वाला स्टेप इसमें लग रहा है, देखिए आप क्योंकि पहले 30% हो रहा है फिर 30% हो रहा है, उसके लिए भी आप मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकालेंगे तो 1 माइनस 0 पॉइंट, और डिक्रीमेंट डिस्काउंट है, डिस्काउंट हमेशा क्या होगा आपका डिक्रीज करेगा जो प्राइस है उसको, तो ये इस तरीके से आपका दोनों के लिए आ जाएगा, पहले के लिए और दूसरे के लिए, इस तरीके का क्वेश्चन हमने किया है, ओके। जब आप इसको आप देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि जब 1.0 इसको सोल्व करेंगे आप 0.70 और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तब आपका ये आंसर आ जाएगा 0.49, ओके दोनों के मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आपके पास आ चुके हैं, ठीक है। तो जब आप अब देखेंगे कि जो अगर आपको प्राइस देखनी है कि फाइनल प्राइस कितनी हो जाएगी शॉपकीपर से की, तो फाइनल प्राइस है फर्स्ट वाली की, फाइनल प्राइस आपको जो फर्स्ट शॉप की मिल रही है वो कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इनटू इनिशियल प्राइस, तो इनिशियल प्राइस तो दोनों के लिए सेम है एक्स जो हमने अज्यूम की थी, इनिशियल प्राइस ऑफ शर्ट, ओके। इसी तरीके से अगर इसकी देखेंगे कि फाइनल प्राइस इसकी कितनी हो जाएगी सेकंड वाले शॉप की के हिसाब से, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 0.49 इंटू एक्स, ओके ये आपके पास इन्फॉर्मेशन आ गई है, इस इन्फॉर्मेशन का आप यूज करेंगे, ओके देन आगे बढ़ेंगे। अब देखिए अब आपको क्या बोला गया कि यहाँ तक आपने इस क्वेश्चन को डिकोड कर लिया, क्वेश्चन को आपको डिकोड करना है, ओके। जैसे ही आपने देखा इफ द डिफरेंस ऑफ द बिल इज ₹45, अब देखिए ज़्यादा तो ऑब्वियसली बात है 0.50x ही होगा क्योंकि ये 0.49x है, ओके इसको आप ऐसे लिख लीजिए 0.49x होगा, तो ज़्यादा तो ऑब्वियसली बात है ये होगा, तो इसमें से इसका डिफरेंस जो फाइनल प्राइज है दोनों के डिफरेंस आपको दिया हुआ है 43, तो देखिए फाइनल प्राइज ऐसे लिख सकते हैं फर्स्ट माइनस फाइनल प्राइस को एफ पी से डिनोट कर लेते हैं, एफ फाइनल प्राइस फर्स्ट माइनस फाइनल प्राइस सेकंड, ठीक है इसका डिफरेंस आपको 43 क्वेश्चन में गिवन है अगर आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो फाइनल प्राइस, तो इसका फाइनल प्राइस फर्स्ट का कितना हो जाएगा 0.50x, और जो आपका शर्ट शॉप सेकंड है उसके हिसाब से फाइनल प्राइस कितना हो जाएगा 0.49x इक्वल टू 43, ओके। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 0.01x इक्वल टू 43, जब यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे तो आपको x की वैल्यू कितनी आएगी 4300 RS, ओके तो आपको 4300 RS की वो शर्ट आपके पड़ेगी, ओके। तो देखिए ए शॉप प्रोवाइड फ्लैट 50% डिस्काउंट ऑन वन शर्ट वाइल अनदर शॉप प्रोवाइड द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30% एंड 30%, ये आपको दिया हुआ था। तो हमने देखो इसके सबसे पहले हमने दोनों शॉप के अलग अलग केस बनाए, फिर हमने मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कैलकुलेट किया दोनों का, जब हमें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मिल गया तो हमने दोनों के हिसाब से फाइनल प्राइस निकाली, फाइनल प्राइस फर्स्ट की शॉप के हिसाब से, फाइनल प्राइस सेकंड शॉप के हिसाब से, ये हमने देखा। फिर हमको जो उससे आगे लाइन दिखी हुई थी कि डिफरेंस था दोनों का दिया हुआ हमें 43, तो हमने फाइनल प्राइस का डिफरेंस जो हमने कैलकुलेट किया उस हिसाब से हमने जब कैलकुलेट किया तो हमें 4300 आंसर मिला, ओके। तो इसी तरीके से परसेंटेज के बहुत सारे क्वेश्चन आपको वर्कबुक में मिलेंगे और थ्योरी बुक में मिलेंगे, और जो आपकी डिस्क्रिप्शन लिंक में बहुत सारे क्वेश्चन सेट है वहाँ पर मिलेंगे, इसके बेसिस पे काफ़ी सारे क्वेश्चन आते रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट में आपको पहचान
पहचानना पड़ेगा। डिस्काउंट वर्ड दिखेगा आपको या फिर आपको प्रॉफिट वर्ड दिखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक हम कवर करेंगे, लेकिन उस तरीके से भी आपको ये वाले जो कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर वाला, ये वहाँ पे भी आपका काफ़ी यूज होगा। तो होपफुली आप कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, 20-30 क्वेश्चन कहीं से भी ढूंढ के निकालिए और उस पर प्रैक्टिस कीजिए। आपकी अप्रोच अच्छी हो जाएगी, आप इजीली समझ पाएंगे कि परसेंटेज में क्या क्या टॉपिक कवर हो रहे हैं और आपके बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।